बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का फ्रेंच डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी, जो हम चेरी से बनाएंगे और इसका नाम है चेरी क्रैफोटी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल की आइकोन है उसे भी हिट कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इंग्रीडियंट्स नोट डाउन करें। फुल क्रीम दूध 1 कप, फ्रेश चेरीज 2 कप्स में यूज़ कर रही हूँ, 4 अंडे मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून सोल्ट, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1/2 कप आइसिंग शुगर, 100 ग्राम्स प्लेन फ्लोर मैदा, वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम चेरीज के सीड सेपरेट कर लेंगे। इस तरह मैं चेरीज के सीड सेपरेट कर लूँगी, बाकी चेरीज के भी सीड सेपरेट कर लेती हूँ। बेकिंग ट्रे को बटर से ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करके इस पर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर दें और इसे पूरी ट्रे पे फैला दें। इसके बाद फ्रेश चेरीज जिनके सीड सेपरेट कर लिए थे उसको ट्रे पर फैला दें। अब मिक्सिंग बाउल में एक एक करके अंडे ऐड करें। सारे अंडे ऐड करके अब इसको बीट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह इसको बीट करना है और अंडों को इतना बीट करेंगे कि इसका टेक्सचर फोमी हो जाए। अंडे अच्छी तरह बीट करने के बाद अब इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही सोल्ट ऐड कर देंगे। अगेन इसे बीट कर लेंगे। एक से दो मिनट बीट करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर दें और साथ साथ मिक्स करते जाएं। अच्छी तरह हर चीज़ को मिक्स करने के बाद अब इसमें दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके जितना दूध मैंने आपको बताया है इसमें ऐड कर दें। वनीला एसेंस ऐड कर दें। और इसके साथ ही बटर ऐड कर दें। बटर आपका मेल्टेड होना चाहिए। अगेन इसे मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके अब इसे बेकिंग ट्रे में डाल दें और इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 40 मिनट्स के लिए बेक करें। दरमियान में चेक कर लें, क्योंकि हर किसी के ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है।
फ्रेंच डेजर्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।